युवाओं को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेलों से युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में जिला सोलन की 16 आईटीआई के 350 के युवा खेल प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की यह खेलकूद प्रतियोगिता युवाओं के खेलों में रुचि बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं का बौद्धिक मानसिक व शारीरिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं को करवाने का आग्रह सभी शिक्षण संस्थानों से किया है ताकि युवा नशे से दूर रह सके व खेलों में उनकी रुचि बढ़े। युवाओं को इस प्रकार के खेल कूद के कार्यक्रम में भाग लेना मैं समझता हूँ बहुत अनिवार्य भी है और वांछनीय भी है। आजकल के संदर्भ में जब और प्रकार की गतिविधियाँ खासकर नशे जैसी लत लगने की भी एक आदत तभी छूटेगी जब इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत शीघ्र हर इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल आईटीआई का प्रोग्राम है, मैं इसका बहुत अभिवादन करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे युवा पीढ़ी खेलें कूदें, खेल कूद से एक दूसरे के कोऑपरेट करने की भावना बढ़ती है, अपने एम को अचीव करने की शक्ति दृढ़ होती है और सबसे बड़ी बात आपस में काम करने की भावना पैदा होती है। खेल कूद ही एक ऐसी मैं समझता एक्टिविटी है जो बच्चों को इस उम्र में करनी चाहिए। इसलिए के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।